सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल PKVT। सो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों, अगर आप प्रैंक का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर लिए हैं तो आपका यूट्यूब चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, ग्रो उसको कैसे करें एकदम तेज़ी से, इसके बारे में मैं आपको आज बताऊँगा कि अगर आपने प्रैंक का यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो उसको तेज़ी से ग्रो कैसे करें, इसके बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपका चैनल ग्रो नहीं हो पाता है और क्या क्या आपको गलतियाँ नहीं करना है, इसकी भी सावधानियाँ बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहना, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं प्रैंक से रिलेटेड वीडियो और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों, अगर आप प्रैंक का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर स्टार्ट कर लिए हैं तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं उसको मैं बताता हूँ कि आप वो गलती ना करें दोबारा। सो दोस्तों, आप अगर प्रैंक का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको सबसे पहले छानबीन इस चीज़ का करना होगा कि दोस्तों, प्रैंक होता क्या है, प्रैंक कैसे बनाना पड़ता है, कैसे शूट करना पड़ता है, कैसे एडिट करना पड़ता है, कैसे फेस करना पड़ता है, इस चीज़ को सबसे पहले आपको छानबीन कर लेना होगा, इसके बाद ही दोस्तों आप प्रैंक बनाने के लिए आ गए हैं। और दोस्तों, दूसरा आप क्या करते हैं कि आप YouTube पर किसी का प्रैंक वीडियो देख लिए, इसके बाद उसको देख करके आप लोग भावुक हो जाते हैं कि अरे यार, ऐसा वीडियो तो मैं भी आसानी से बना सकता हूँ, मैं भी कल से स्टार्ट करूँगा ऐसा वीडियो बनाना, कैमरा नहीं तो फ़ोन से ही बनाऊँगा ऐसा वीडियो, मैं भी आसानी से बना सकता हूँ। ये दोस्तों आपका सबसे बड़ा दूसरा गलती है, आप लोग ये भावुक हो जाते हैं और प्रैंक वीडियो बनाने के लिए चल पड़ते हैं आगे, और दोस्तों जब बनाने की बारी आती है तब उस टाइम जो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है उसके वजह से आप पीछे हट जाते हैं और डिमोटिवेट हो जाते हैं और आप वीडियो नहीं बना पाते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाते टाइम बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, वीडियो बनाना, एडिट करना और उसको शूट करना बहुत ही कठिनाई भरा होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो बनाने से पहले अच्छे से छानबीन कर लेना चाहिए। और दोस्तों, तीसरा बड़ा गलती आप लोग क्या करते हैं कि आप जब डिमोटिवेट हो जाते हैं, भावुक होकर वीडियो बनाने जाते हैं, आगे बढ़ते हैं और नहीं बना पाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, तब आप क्या करते हैं कि किसी दूसरे बड़े यूट्यूबर जो बड़ा प्रैंकर है, जिसके चैनल पर अच्छा खासा सब्सक्राइबर है, अच्छा खासा व्यूज आता है, उसका वीडियो को कॉपी करके डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। क्या सोचते हैं कि उसके चैनल पर अच्छा खासा व्यूज आ रहा है, सब्सक्राइबर आ रहा है, तो मैं भी उसका वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा तो मेरे चैनल पर भी अच्छा खासा व्यूज आएगा, सब्सक्राइबर आ जाएगा और मैं ग्रो हो जाऊंगा, इसके बाद अपना बनाना चालू करूंगा। और आप ऐसा अपने चैनल का रिस्पॉन्स ट्राई करने के लिए भी ऐसा दूसरे के वीडियो को अपलोड करते हैं, ये भी आपका एक बहुत बड़ा गलती है। और दोस्तों, आपका चौथा गलती क्या होता है कि दोस्तों, आप करने से पहले सोच लेते हैं कि मैं तो ऐसा आसानी से कर सकता हूँ और 10-12 वीडियो अपलोड करके मेरा चैनल एकदम तेज़ी से ग्रो हो जाएगा, मैं वीडियो वायरल हो जाएगा, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और 2-3 महीने में पैसा कमाना चालू कर दूंगा, ऐसा सोच करके आप दोस्तों लापरवाही करते हैं और अपने कंटेंट पर फोकस नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं, ये दोस्तों आपका एक बहुत बड़ा गलती है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की गलती है जिसको दोस्तों आप लोग करके अपने चैनल को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन सब गलतियों को आपको नज़रअंदाज करना होगा और ऐसा गलती दोबारा नहीं करना होगा, इसके बाद ही आपका चैनल ग्रो होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किस टॉपिक पर ध्यान रखना होगा जिसके वजह से दोस्तों आपका चैनल एकदम तेज़ी से रॉकेट की तरह ग्रो होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ, उस कुछ 4-5 तरीका है, वीडियो पूरा आखिरी तक देखना, बहुत ही जेन्युइन तरीका है। तो दोस्तों, अगर आप प्रैंक वीडियो बनाना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों, अगर आप प्रैंक वीडियो बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर ही देखकर भावुक होकर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि किसी दूसरे का टॉपिक को आप कॉपी मत करिए, खुद से एक जेन्युइन टॉपिक को अपने दिमाग में क्रिएट करिए और उसी टॉपिक पर आप यूट्यूब वीडियो बनाइए, प्रैंक वीडियो बनाइए, चाहे स्क्रिप्टेड बनाइए या कोई भी वीडियो बनाइए, कैसा हो भी नॉर्मली बनाइए, लेकिन एकदम जेन्युइन होना चाहिए, यूनिक टॉपिक पर होना चाहिए, किसी दूसरे का कॉपी मत करिए। और दोस्तों, चलिए मैं आपको दूसरा टॉपिक बताता हूँ जो सबसे बेस्ट टॉपिक है। तो दोस्तों, आप अगर बनाने का सोच रहे हैं प्रैंक वीडियो, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिए हैं और अगर नहीं बना पा रहे हैं, पब्लिक प्लेस में ऐसा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, आपको कठिनाई हो रही है ऐसा वीडियो बनाने में, तो दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि आप किसी टॉपिक पर, अच्छे टॉपिक पर स्क्रिप्ट लिखिए, इसके बाद स्क्रिप्ट लिखने के बाद अपने दोस्तों के साथ ऐसा डेली डेली एक टॉपिक पर वीडियो बनाइए, अपलोड करिए, इसके बाद दोस्तों आपको हैबिट्स हो जाएगा और आप पब्लिक प्लेस में प्रैंक कर पाएंगे और दोस्तों
जो स्क्रिप्टेड वीडियो बनाइएगा उससे आपका चैनल भी ग्रो होगा, उससे व्यूज़ भी जाएगा, वायरल भी होगा। और दोस्तों तीसरा टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों तीसरा टॉपिक में ये है कि दोस्तों अगर आप प्रैंक का चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर लिए हैं और दोस्तों आपका एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, आपके वीडियो पर 2-4 व्यूज़ भी आते हैं, तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दोस्तों आपको आँख बंद करके 3-4 महीने एकदम लगातार हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हार्ड वर्क करने से ही धीरे 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 आपका चैनल ग्रो होगा। कैसे दोस्तों, आपको क्या करना होगा कि डेली आपको एक वीडियो अपलोड करना होगा, कंटिन्यू आपको कंटेंट देना होगा अपने चैनल पर, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। जैसे कि दोस्तों आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा जिसमें एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद ऐसा आपको एक रूटीन बना लेना होगा। और उसी रूटीन में दोस्तों आपको डेली एक वीडियो अपलोड करना होगा, डेली एक वीडियो शूट करके अपलोड करना होगा। इसके बाद दोस्तों लोग जो भी आपके चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे वो आपका वीडियो को वेट करेंगे कि कब आएगा वीडियो ऐसे करके, क्योंकि आपका यूनिक टॉपिक रहेगा तो लोग वेट करेंगे और देखना पसंद करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपका वीडियो तेज़ी से वायरल भी होगा और आपका चैनल ग्रो भी होगा। और दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ चौथा टॉपिक। तो दोस्तों चौथा टॉपिक्स में आपको क्या करना होगा कि दोस्तों जैसे जैसे आप वीडियो अपलोड करते जाएंगे तो दोस्तों आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपका सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे तो दोस्तों आपको लगातार इंटरटेनिंग कराना पड़ेगा, डेली अपने चैनल पर आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो दोस्तों ऐसे में लोग आपको जानने लगेंगे, जो आपका चैनल सब्सक्राइब किया है वो आपको जानने लगेगा, आपका फेस पहचानेंगे, आपको जानने लगेंगे। तो दोस्तों ऐसे में आपका वीडियो को वेट करेंगे, आपका चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो दोस्तों ऐसे में आपका चैनल एकदम तेज़ी से ग्रो होगा। और दोस्तों पांचवा टॉपिक और सबसे लास्ट टॉपिक, तो दोस्तों सबसे लास्ट टॉपिक पर सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि दोस्तों सबसे बेहतरीन टॉपिक यही है। तो दोस्तों पांचवा टॉपिक में आपको करना क्या होगा, दोस्तों आपको एकदम बेस्ट थंबनेल बनाना होगा। आप एकदम बेस्ट थंबनेल बनाइए जिसे देख करके लोगों को लगे कि इसमें ऐसा क्या है, लोग उसको देख करके वीडियो को स्क्रॉल ना कर पाएँ, उस वीडियो को क्लिक करना ही करना पड़े उन लोग को, ऐसा थंबनेल बनाइए आप। तो दोस्तों थंबनेल में आपको कुछ सस्पेंस ऐसा डालिए जिसके वजह से लोगों को क्लिक करना ही पड़ेगा आपके वीडियो पर, ऐसा एकदम क्रिएटिविटी के साथ अच्छा थंबनेल बनाइए, क्योंकि दोस्तों थंबनेल की वजह से ही लोग आपकी वीडियो को क्लिक करते हैं। तो दोस्तों आपको थंबनेल भी एकदम परफेक्ट बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों बस कुछ यही तरीका था ये प्रैंक चैनल को ग्रो करने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बस यहीं ख़त्म करता हूँ, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रैंक से रिलेटेड और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।